बातें नहीं है क्यों दरमियां फिर रुकी रुकी कह न पाए रह भी न पाए क्यों बेवजह है ये बेसी तुम में हम है हम तुम हो तुमसे हम है हमसे तुम हे गाइज वेलकम बैक टू योर चैनल। तो गाइज आपने आज का टेक्स्ट ग्लो रेनड्रॉप्स लिरिकल वीडियो देख ही लिया होगा कितना अच्छा हो चुका है। तो गाइज ये जो वीडियो है इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर ट्रेंड में चालू है। तो गाइज आपको इस तरह वीडियो बनाने के लिए सिंपली अलाइट मोशन ऐप और नोट वीडियो ऐप लगेगा। अगर आपके पास अवेलेबल नहीं होगा तो आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर इजीली मिल जाएगा। और गाइज आज के वीडियो में यूज़ किया ऑल मटेरियल भी आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर इजीली मिल जाएगा। यदि गाइज आप अपने टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन नहीं हुई तो लिंक आपको अपने डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे या आप अपने टेलीग्राम पर जाकर तेजस क्रिएशन YT सर्च कर सकते हो। और यार गाइज अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो प्लीज़ फॉलो कर दीजिए, लिंक आपको अपने डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो यार गाइज आपको अगर आज का ट्यूटोरियल वीडियो पसंद आ गया होगा तो प्लीज़ यार अपने वीडियो को लाइक कर देना और अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर देना। तो यार गाइज आज का जो अलाइट मोशन के प्रीसेट है उसको एक पासवर्ड दिया है, वो पासवर्ड वीडियो में कहाँ पे तभी रखा है तो यार आपको वीडियो पूरी तरह देखना है। और गाइज ये जो ट्यूटोरियल है ये आपको सबसे इजीली समझ में आ जाएंगे। तो चलो फिर गाइज आज के वीडियो की ट्यूटोरियल शुरू करते हैं। तो आपको सबसे पहले अलाइट मोशन ऐप को ओपन कर देना है, फिर आपको प्रोजेक्ट में चल जाना है। तो ये जो दो प्रोजेक्ट है मैंने आपको दिए तो आपको सिंपली इसको इंपोर्ट कर देना है। तो इतना होने के बाद जो बीट बुकमार्क प्रोजेक्ट है इसको आपको ओपन कर देना है। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी सॉन्ग ऐड करके रखा है, आप इसके अलावा दूसरा सॉन्ग यूज कर सकते हो। तो इतना होने के बाद आपको सिंपली शुरू में चल जाना है और इस पर टैप कर देना है। इतना होने के बाद आपको प्लस पे टैप कर देना है, टेक्स्ट में जाना है। तो जो फर्स्ट लिरिक का टेक्स्ट आपको ऐड करना है तो मैंने जो टेक्स्ट है ऑलरेडी नोटपैड पे कॉपी करके रखा है। तो इस तरह आपको सिंपली यहाँ आने के बाद आपको कॉपी कर लेना है और यहाँ आने के बाद इस तरह पेस्ट कर देना है। तो इतना होने के बाद आपको सिंपली इस लेयर पर टैप कर देना है, फॉन्ट में जाना है, व्यूअर फॉन्ट में जाना है, इस पर टैप करके इंपोर्ट फॉन्ट में जाना है। तो आपका जहाँ फॉन्ट डाउनलोड हुआ है आपको सिंपली इस तरह से ऐड कर देना है और आपको नीचे चल जाना है और जो फॉन्ट है आपको इस तरह ऐड कर देना है। इतना होने के बाद आपको सिंपली साइज में जाना है, यहाँ 80 PT रहेंगी तो आपको सिंपली 48 कर देना है और आपको कलर पर टैप करके व्हाइट ऐड कर देना है, फिर आपको ओके कर देना है। इतना होने के बाद आपको मूव एंड ट्रांसफर पर जाना है और इसको आपको बराबर बीच में इस तरह से एडजस्ट कर देना है। फिर आपको कलर एंड फिल में चल जाना है, थर्ड नंबर के बॉक्स पर क्लिक करना है, इसके बाद सेकंड पर टैप कर देना है। दो आपको बॉक्स दिखेंगे इस तरह से, तो आपको सिंपल जो फर्स्ट बॉक्स है इस पर आपको कलर ऐड करना है। तो आप आपके हिसाब से कलर ऐड कर सकते हो, तो मैं फर्स्ट बॉक्स में ब्लू कलर ऐड कर देता हूँ और जो सेकंड है सेकंड पर इस तरह कलर ऐड कर देता हूँ। इतना होने के बाद आप देख सकते हो इस पर अच्छी तरह से कलर ऐड हो चुका है। आपको सिंपली इस एरो पर टैप कर देना है और इस तरह इसको कट लगा देना है। तो इतना होने के बाद आपको सिंपली इस पर टैप कर देना है, इस पर टैप करके लेयर को आपको सिंपली कॉपी कर लेना है और इस एरो पर टैप करना है और सेकंड लेयर के लिए इस तरह आपको पेस्ट कर देना है। तो इतना होने के बाद आपको सिंपली इस पर फिर से टैप कर देना है और इस तरह आपको इसको फुल कर देना है। फिर आपको सेकंड लेयर पर टैप कर देना है, एडिट टेक्स्ट में जाना है, तो ऐसे इसको कट कर देना है। जो सेकंड लेयर का टेक्स्ट है आपको इस तरह यहाँ पे कॉपी कर लेना है और यहाँ आने के बाद इस तरह आपको पेस्ट कर देना है और आपको ओके कर देना है। तो आप देख सकते हो जो सेकंड लिरिक का टेक्स है वो भी अच्छी तरह से ऐड हो चुका है। इसके बाद आपको फिर से इस पर टैप करके पेस्ट लेयर कर देना है और थर्ड लेयर के लिए एडिट टेक्स में जाना है, इसको कट कर देना है और यहाँ आने के बाद जो थर्ड लेयर है आपको इस तरह कॉपी कर लेना है और यहाँ आने के बाद आपको पेस्ट कर देना है और ओके कर देना है। तो गाइस आप देख सकते हो जो थर्ड लेयर है वो भी अच्छी तरह से ऐड हो चुकी है। तो मैं इसी तरह से ऑल लेयर ऐड कर देता हूँ तो आपको कर लेना है। तो गाइस तो आप देख सकते हो जो मैंने ऑल टेक्स्ट अच्छी तरह से ऐड कर लिए है तो आपको इसी तरह से ऐड कर लेना है। तो इतना होने के बाद आपको सिंपली शुरू में चल जाना है और आपको इस एरो पर टैप कर देना है और आपको बैक चल जाना है, फिर आपको इफेक्ट में चल जाना है। तो जो यहाँ पे आपको सिंपल TC लोगो दिख रहा है इस पर टैप कर देना है, इफेक्ट में चल जाना है, 3 डॉट पर क्लिक करके इफेक्ट को आपको सिंपली कॉपी कर लेना है और आपको बैक चल जाना है, फिर आपको सिंपली प्रोजेक्ट में चल जाना है और यहाँ आने के बाद जो फर्स्ट टेक्स है इस पर टैप कर देना है, इफेक्ट में चल जाना है और इस तरह आपको यहाँ पे पेस्ट कर देना है। इतना होने के बाद आपको जो फर्स्ट टेक्स्ट ट्रांसफर इफेक्ट है इसको आपको सिंपली ओपन कर देना है। आपको टेक्स्ट के शुरू में जाना है, यहाँ प्लस की दे देनी है और आपको यहाँ 100 रहेगा स्टार्ट, तो आपको सिंपली 0.0 कर देना है और आपको
लास्ट में चल जाना है और यहाँ पे इस तरह आपको 100 कर देना है। तो इतना होने के बाद आपको इसको बैक कर देना है, फिर आपको ट्रिसेप में चल जाना है। यहाँ काउंट 10 रहेगा तो आपको 0.5 इस तरह से कर देना है। फिर आपको नीचे चल जाना है, यहाँ कलर रहेगा तो आपके हिसाब से कलर ऐड कर सकते हो, तो मैं लाइट ब्लू ऐड कर देता हूँ। इतना होने के बाद आपको बैक चल जाना है, फिर आपको फेड इन फेड आउट में चल जाना है। और यहाँ आउट आपको 1 सेकंड दिखेगा तो आपको इस तरह से 0.20 कर देना है। इतना होने के बाद आपको इसको भी बैक कर देना है। फिर आपको मोशन ब्लर में चल जाना है, यहाँ ट्यून 4 रहेगा तो आपको इस तरह 1 कर देना है। और यहाँ पे जो पोजीशन स्केल और एंगल है ये डिसेबल रहेगा तो आपको इस तरह से इनेबल कर देना है। तो इतना होने के बाद आपको सिंपली बैक चल जाना है। तो इतना होने के बाद आपको सिंपली 3 डॉट पर टैप करके इसको आपको कॉपी कर लेना है। तो गाइज आप देख सकते हो जो फर्स्ट टेक्स इस पर अच्छी तरह से इफेक्ट ऐड हो चुका है। इतना होने के बाद आपको सेकंड टेक्स्ट पर टैप कर देना है, इफेक्ट में चल जाना है, इसको आपको यहाँ पे इस तरह पेस्ट कर देना है। और जो थर्ड पर चल जाना है यहाँ पर इस तरह आपको पेस्ट कर देना है। तो गाइज आपको इसी तरह से जो ऑल टेक्स्ट लेयर है इस पर आपको इफेक्ट लगा देना है, तो मैं लगा देता हूँ। तो फाइनली गाइज आप देख सकते हो जो ऑल टेक्स्ट है इस पर मैंने अच्छी तरह से इफेक्ट ऐड कर लिया है, तो आपको सिंपली इस तरह ऐड कर देना है। इतना होने के बाद आपको सिंपली शुरू में चल जाना है, फिर आपको सेटिंग पर टैप कर देना है। यहाँ फ्रेम रेट आपका 30 FPS रहेगा तो आपको ध्यान से 60 FPS इस तरह कर देना है। और आपको सिंपली एक्सपोर्ट पर टैप करके वीडियो आपको एक्सपोर्ट कर देना है। तो गाइज ये जो वीडियो है मैंने ऑलरेडी एक्सपोर्ट कर लिया है, तो आपको सिंपली बैक चल जाना है। तो गाइज बैक आने के बाद आपको सिंपली जो नोट वीडियो ऐप है इसको आपको ओपन कर देना है, फिर आपको प्रोजेक्ट पर टैप कर देना है, फिर आपको रेशियो पर जाना है, कस्टम में जाना है। यहाँ 1280 रहेगा तो आपको 1080 इस तरह करके ओके कर देना है। और यहाँ 720 रहेगा तो आपको 1350 करके ओके कर देना है। इतना होने के बाद जो FPS है 30 रहेगा तो आपको 3 हटा के इस तरह 60 कर देना है। फिर आपको प्लस पे टैप कर देना है, मीडिया में चल जाना है, वीडियो में चल जाना है। आपका वीडियो जहाँ सेव हुआ है आपको सिंपली इस तरह ऐड कर देना है। तो इतना होने के बाद आपको प्लस पे टैप कर देना है, असेट स्टोर पर चल जाना है। तो यहाँ पे आपको ग्लो फर्स्ट इफेक्ट दिख रहा है, इस पर आपको टैप कर देना है। इतना होने के बाद तो गाइस जो स्कैटरिंग है इस पर आपको टैप कर देना है, इसको हटा के आपको 3.87 इस तरह से करके ओके कर देना है। इसको थोड़ा आपको इस तरह आगे लेकर आना है। इतना होने के बाद जो इंटेंसिटी है इस पर टैप कर देना है, यहाँ पे 1 रहेगा तो आपको 2.7 करके ओके कर देना है। तो इतना होने के बाद आपको ग्लो कलर पर टैप कर देना है, और आपके हिसाब से आपको जो कलर यहाँ ऐड कर देना है तो आप कर सकते हो। तो मैं सिंपली पिंक कलर ऐड कर देता हूँ। इतना होने के बाद आपको बैक चल जाना है। तो इतना होने के बाद आपको प्लस पर टैप कर देना है, फिर से आपको असेट स्टोर पर चल जाना है, फिर आपको जो फ्लेयर आपको दिख रहा है इस पर आपको टैप कर देना है। थ्रीशोल्ड है यहाँ पे आपको 0.85 रहेगा तो आपको इसको हटा के 0.95 करके ओके कर देना है। तो इतना होने के बाद आपको क्वालिटी 5 रहेंगे तो 5 को हटा के आपको इस तरह 6 करके ओके कर देना है। तो आपका जो ऑल इफेक्ट है लग चुका है। इसके बाद आपको सिंपली एक्सपोर्ट पर टैप कर देना है, यहाँ पे आपकी क्वालिटी हाई रहेंगे तो आपको वेरी हाई कर देनी है और सिंपली वीडियो को एक्सपोर्ट कर देना है। तो यार गाइस आज का अगर आपको वीडियो ट्यूटोरियल पसंद आ गया होगा तो प्लीज़ यार अपने वीडियो को लाइक कर देना। तो चलो फिर गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय, टेक केयर।